एक कमरा, एक ब्लैक बोर्ड, दो सब्जेक्ट और तीन टीचर। ये वाकया है कटिहार के आदर्श मिडिल स्कूल का। नाम का आदर्श विद्यालय है, काम ऐसा कि यहाँ विद्या की अर्थी निकाली जा रही है। एक समय में एक क्लासरूम में एक तरफ हिंदी की क्लास चल रही है, बच्चे शामपट पर हिंदी पढ़ रहे हैं, वहीं दूसरे किनारे पर उर्दू की पढ़ाई हो रही है। टीचर उर्दू में लिखकर बच्चों को समझा रहे हैं। एक तीसरी मैडम भी कुर्सी पर बैठी दिखाई दे रही हैं। उनका काम है उर्दू का बच्चा अपने विषय पर फोकस करे और हिंदी का बच्चा हिंदी की पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ाई का नमूना देखकर लगता है कि स्कूल में क्लास नहीं, मजाक चल रहा है। एक से पाँचवीं तक के बच्चों को एक साथ ज्ञान की घुट्टी पिलाई जा रही है। टीचर से पूछो तो ऐसे बताती हैं जैसे कोई एहसान कर दिया हो। ये आदर्श मध्य विद्यालय जमपुर गोला विद्यालय है। इसमें 2017 को शिफ्ट किया गया था उर्दू प्राथमिक विद्यालय, जिसमें एक कक्षा किसी तरह से, क्योंकि हमारे विद्यालय में खुद ही कक्षाओं की कमी है, लेकिन उस विद्यालय को दिया गया है क्योंकि आदेश था, इसलिए उनको एक कमरा दिया गया है जिसमें एक ही कक्षा में एक से पाँचवीं तक की पढ़ाई होती है। और वहाँ पे तीन शिक्षक हैं, जिसमें एक तो मतलब ब्लैक बोर्ड को आधे आधे भागों में बांट के उन लोग पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। एक तरफ हिंदी की पढ़ाई होती है, एक तरफ उर्दू की, जिसके कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनको पढ़ने में समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बच्चों की अनुपस्थिति भी अधिक हो जाती है, क्योंकि एक कमरे में बहुत सारे बच्चे जितना होना चाहिए वो बैठने में उनको बहुत तकलीफ होती है। पढ़ाई के नाम पर क्लास में कई दिनों से कबड्डी जारी है। जिम्मेदारों से पूछो तो जांच का झुंझुना बजाने लगते हैं। कटिहार के जिला शिक्षा अधिकारी का जवाब भी कुछ ऐसा ही आया। वहाँ जैसे आपसे बात हुई, अभी पता किए हैं, तो मध्य विद्यालय में एक उर्दू प्राथमिक विद्यालय शिफ्टेड है, तो उसको एक कमरा दिया गया है, उसी में यह आई है बात। लेकिन अब देखना होगा, वहाँ जाँच करवाते हैं, देखना होगा कि क्या कहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। हो सक मध्य विद्यालय में यदि नामांकन कम होगा तो उसे एक कमरा और लेके हम उर्दू प्राथमिक विद्यालय को देंगे, और एक ही कमरा में एक ही ब्लैक बोर्ड पर यदि कई वर्ग के बच्चे को यदि टीचर पढ़ा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। उसको मल्टी लेवल क्लास का जानकारी नहीं है, जानकारी देने की ज़रूरत है। दरअसल मनिहारी प्रखंड के उर्दू प्राइमरी स्कूल को 2017 में आदर्श मध्य विद्यालय आजमपुर गोला में शिफ्ट किया गया था। इस स्कूल में पहले से ही कमरे कम थे, यही कारण था कि प्राइमरी स्कूल के संचालन के लिए केवल एक ही कमरा उपलब्ध कराया गया, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इसे लेकर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन नतीजा आपके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।